सबसे ढोबा गया कचरा गाड़ी, कचरा गाड़ी, कचरा टाइप में ले गया गया है पूरा, जैसे कचरा को ले जाता। अच्छा, नमस्कार, हम मृत्युंजय मिश्रा आज पहुंच चुके हैं वह घटनास्थल में जहां कल हृदय बेदारक घटना भई, जहां कल बतावा जाते कि तीन बस, दुई बस के तनामो निशाने मिट गए, यानी उनका अपना टोपरी में उठा के लेके जा सकी थी, यह हालत हो गई, दुई बस सीधे खाई में गिर गई और एक बस वह खड़ी है कि इतना जोरदार टक्कर रहा, इतना भीषण टक्कर रहा कि सीधे ओकर दिशा बदली गए और ये अपना देख सकी थे कहीं कहीं बस खाई माही गिर गए। जौने माही यह एक वीडियो वायरल हो रही है कि जौने माही एंठे बाडिन का ही रामपुर के ही जौने सब कचड़ा वाहन है, यानी एक ट्रैक्टर है कचड़ा ढोबे वाला, ओ मत सब का ले जावा गा, बताई कि कितनी शर्मनाक वाक्य आए लेके जाते हैं अपना पच्चे देखब अस्पताल माही कम से कम 50-60 एम्बुलेंस नई कंडीशन में एनी टाइम खड़ी रहती हैं, लेकिन एक बावजूद हो ऐसा कह रहा था भाई कि वो एम्बुलेंस जरूरत मन नहीं मिल पाती आई। हालांकि ये पूरे मामले में ही ट्रैक्टर से जब बाड़ी के बात आई कि ट्रैक्टर से बाड़ी उठवाई गई ही वह कचड़ा गाड़ी से ही, तो एम विधायक सत्येंदु तिवारी के कहा भाई कि यह भ्रामक खबर आए अपने बच्चे भ्रामक खबर चलाई थी, ऐसा कुछ ना हो या मैंने के वीडियो गलत है, मैंने कि सीधे सीधे वीडियो का कह दी और यह आरोप लगा दी कि अपने बच्चे भ्रामक खबर चलाई थी भाई। अब यह पूरे मामले माही कहो ना कहो एक राजनीतिक विषय है, आवे वाले समय माही जैसा कि आप चुनाव आवे वाला हब है वहू में कहो ना कहो ये जो हादसा हब हो सकते है वह में फर्क पड़े। अब ना कि यह बताई कि ये पूरे मामले में जो मृतक रहे हमें उनका 10-10 लाख रुपया और जो योग्य हमें उन्होंने का स्तर सरकारी नौकरी दे के ही शिवराज सरकार घोषणा करी नहीं के मैंने इनका दिन जी जौन घायल है मैं गंभीर रूप से उनका 2-2 लाख रुपया और जौन मैं कम घायल है मैं उनका 1-1 लाख रुपया दीन गई भाई। और या अब देखा कोई के माही कहूँ में के जांच होती भाई और कहूँ में के का होता भाई, लेकिन अपना का बताई कि सतना बस सीधी से गई रही लगभग थी और एक बात जब वहन से कार्यक्रम भा कोल समाज के कार्यक्रम भा और एक बात जब वो वापस आवे लगा थे यह स्थान में रुकती हैं तीनों बस एक लाइन से ही, जबकि अपना देख ले कि यह टनल एक लाइन हबै और इतनी स्पीड से हर को वाहन अपन ये टनल में लेके आवत है कि यह जगह माही रुकती हैं और वह जैसा न ट्रक आवत रहते ही कुछ गियर में के रहा था कि टायर फाट जाता है और ये खड़ी बस से ही टकरा जाता है, बंद बस खड़ी बस से टकरा जाता है, लेकिन देखी कि इतना तेज रहा इतना रफ्तार रहा कि वो कंट्रोल नहीं हो पावा, टायर फूट गया, कितना स्पीड रहा हो यह अनुमान लगा सकी थी अपना से कि बस के हालत यह में के हो गया ही भाई कि दुई बस के ही नामो निशाने मिटा गया। साथ हूँ भैया मौजूद है मैं जो भैया रैली में गए रहे हम और दूसरे बस में रहे हम, पहले ही उन्होंने से बातचीत करी थी कि कहूँ में के मंजर रहा एंटे का शुभ नाम है अपना एंटे जब हम मोहनिये की आनिया है मोहनिये के हम एंटे आए हम करीब 9:30 बजे के टाइम आए हम तो बस पड़ी रही है बहुत सारे आदमी घायल रहे कुछ आदमी कोई सन स्पॉट में ख़त्म हो के सब खत्म रहे एम्बुलेंस वगैरह सब लेके जा रही थी हम लोग जब आए हैं तो खेती खान के इतना कि वह रात के उसको गाड़ी में बैठाया और लेके गए सीधी की ओर। हाँ हाँ कहो ना कहो लोगन में यह पछतावा रहा कि नहीं रहा कि अगर यह सम्मेलन में ना जाए हुई ताज वहाँ जिंदगी ना जा सम्मेलन वो रहा तब कीन तो कीन कहा जाए। अच्छा, क्या बस गई रही सीधी से? सीधी से बहुत सारी है बस गई रही 200-300 बस गई थी 200-300 बस गई रही। हाँ 200-300 बस लौटत समय एंटे खड़े हुई के नाश्ता पत्ती करे लागे है ना 200-300 बस गई रही। हाँ 200-300 बस लौटत समय एंठे खड़े हुई के नाश्ता पत्ती करे लागे है ना। अभी तो हम 10 बजे रात जाना है। हाँ जी। अच्छा, कहा ना कहो अगर तीनों बस एक साथ न रुकती तो आज ये हादसा न हो। क्या सुनना है भैया? हाँ भैया, क्या सुनना? हम तो क्या बताएं, हम तो अभी आए हैं देखे हैं। कब जानकारी मिली अपने बस के बारे में? कल रात में जानकारी हुई है 9:30 बजे के आसपास। ये बताइए कि क्या लागत है अपना का कि ये में केखर गलती हो सकती है? सबसे बड़ी गलती देखी प्रशासन के है, क्योंकि कहा है कि जब पब्लिक का बुलावा थे कौन आयोजन करा थे तो मैं दरअसल कहा है कि बस की कौन हालत नहीं देखा था कि कौन कंडीशन में बस है ला कौन ही स्थिति में है। भैया बिल्कुल सही कहा लागे मैं कि बस के हालत नहीं देखा था कि कौन कंडीशन, मान लीजिए क्या कहते हैं सवारियां है बस की बैठक क्षमता मान लीजिए 30 सवारियों की है, 50 लोग बैठे 60 लोग बैठे ओवरलोड वाहन चला। ये अगर प्राइवेट गाड़ी बैठा के चला तो उनका जुर्माना हो जाए? जी बिल्कुल होता है, इसमें पूरी तरह से जो है वो राजनीति
जो है गलतियां हैं, दूसरी चीज प्रशासन है जब वहां से लोगों को वापस भेजती है तो इस चीज को देखना चाहिए कि लोग कैसे जा रहे हैं, कैसी उनकी व्यवस्था की गई है। दूसरी चीज, कल मैं रास्ते में कुछ लोग मेरे को मिले हुए थे जो मतलब नशे में थे, नशे की हालत में थे, वहाँ से चूंकि कई लोग मिले थे शराब पिए हुए थे, बस के चालक की नहीं है, जो पब्लिक बैठे, जो पब्लिक है, तो का चाहिए कि कहे ये में के रैली में शराबों के सेवन करवावा जाता है या हम तो पूरी तरह से नहीं। चलिए धन्यवाद, चलिए भैया सहयोग करें, उपचार करावें, और ये दोषी हो चाहे ट्रक के ड्राइवर कंडक्टर, इनकर का फिटनेस रही, जाँच है का नशे में रहें कौ में रहें, एक सब पूरी जांच हो चाहिए। जब तक मजीद से लिए जांच न हुई तो निष्पक्ष जानकारी न मिली। अमले उससे जानने की कोशिश करी थी कि आखिर क्या मामला रहा और कै बजे के लगभग जानकारी है पूरी बात हमारे। नमस्कार नमस्कार, तो क्या मंजर देखे? ये एक्सीडेंट हो चुका था। अच्छा, फिर इसके बाद आप लोग की क्या गतिविधि रही? हम लोग उनकी मदद किए, जो जैसा हुआ ट्रेन मंगाए, जेसीबी मंगाए, उनको करवाए। नाम राम नरेश साकेत है, मैं अभी सीधी से आ रहा हूँ, घटना स्थल का मुआयना कर जी। तो सीधी से आ रहे हैं तो किस संबंध में मुआयना करेंगे? दुर्घटना के संबंध ये जे जहाँ जैसा सुनल रहा है, ये हादसा बहुत कोनो छोट हादसा ना हुए, यह बताए कि बहुत बड़ा हादसा आए जो नहर में ही हादसा भरा है, उसके बाद या बहुत बड़ा हादसा आए जोने में ही कई एक लोगों की जान चली गए, कई एक लोग अभी अस्पताल में ही गंभीर रूप से इलाज चल रहा है उनखर, और अब कई एक लोग घायल है। मैं अपना विकास नाम पंकज सोनी, अपना रहने नहीं रहना है। अच्छा, और डेड बॉडी यह आरोप है, यह कहा लगे थे वीडियो वायरल हो लाई कि डेड बॉडी ट्रैक्टर से ले जावागा। हाँ, ट्रैक्टर एम्बुलेंस लगे रहे, ट्रैक्टर लगे रहे, ब्लोरो लगे, सबसे ढोबा कचरा गाड़ी कचरा टाइप में ले गया है पूरा, जैसे कचरा को ले जाता। अच्छा, बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद। क्या सुना भैया, क्या सुना? चलिए भैया ना बता दें, जय हिंद।